ऑल टीईटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में सीटेट 2019 में पूछे गए गद्य कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो संस्कृत विषय से है। इसी तरह के प्रश्न एवं कहानी सीटेट में पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न संख्या 121 से 128। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां 121 से 128 विकल्पात्मकोत्तरेषु उचितं उत्तरं चित्वा लिखत। नीचे जो गद्यांश दिया गया है उसे पढ़कर और उस पर आधारित जो प्रश्न है वो विकल्प के रूप में उसका उसमें से उचित उत्तर चुनकर लिखिए, जो सही उत्तर है। वृद्धा पिता स्वपुत्रान किसी कर्मणा संचालनाय भूयो भूय प्रेरयति। बूढ़े पिता अपने पुत्रों को कृषि काम के संचालन के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। किंतु सर्वेपि अलसा पुत्रा न श्रृण्वन्ति, लेकिन सभी आलसी पुत्र नहीं उनकी बातों को सुनते हैं। एकदा स वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्ता शज्जासीनो जाता है। एक बार वे बुढ़ापे जन्य रोग से ग्रसित होकर बिछावन पकड़ लिए। सह कलहाय माने सुपुत्रेषु संघबद्धताया महत्वम बोधनाय उपायम अचिंत्यत। वे अपने झगड़ते हुए पुत्रों में संगठन के महत्व को महत्व की जानकारी देने के लिए सोचने लगे। सर्वानपि पुत्रान आहुई स एकस्मयी सुबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा अवदत। सभी पुत्रों को बुलाकर वे क्या किए, एक संगठित चार लाठियों को देकर अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा कि त्वमेन भंजय इसको तोरो, त्वम एनम भंजय त्वम एनम तुम इसको तोरो। स कथमपि भक्तुम ना शक्नोत, वे किसी भी स्थिति में से तोड़ने में सफल नहीं हुए। तदा अपरा पुत्र तथैव आदिष्ट, उसी तरह से दूसरे पुत्र को भी आदेश दिया। सोपि तद दंड चतुष्टयम भंगतुम समर्थन जो, तो वे भी उस डंडे को तोड़ने में समर्थ नहीं हुए। इयमेव दशा अपर द्वयो पुत्रयो अपि अभवत, यही स्थिति अन्य जो दो पुत्रों के साथ भी हुई। तदा वृद्धा पिता सुबद्धम दंड चतुष्टयम निर्धस्य निर्बध्य एकैकं दंडम पुत्रेभ्यः दत्तवान। इसके बाद उस बूढ़े पिता ने उन चारों पुत्रों को डंडे को अलग अलग करके दे दिया। स दंडम चोटयितुं स सर्वानपि आदिष्टवान, उन्होंने सभी को उस डंडे को तोड़ने का आदेश दिया, एक एक करके सबके हाथ में फिर दे दिया। सर्वे पुत्रा स्व स्व हस्तस्थितम दंडम भंगतुं समर्थावत, सभी पुत्र अपने अपने हाथ में लिए गए डंडे को तोड़ने में सफल हो गए। तदा पिता कथितवान, इसके बाद पिता ने कहा कि यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठ तदा कश्चित शत्रु युष्मान ऐकैकान विनाश्यति, यदि हम लोग अलग अलग रहते हैं तो कोई भी पुत्र अकेले अकेले हमें क्या करेगा, हरा देगा, मेरा विनाश कर देगा। यदि यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठ, यदि तुम सभी मिलकर इकट्ठे होकर होगे तदा कोपि बाह्य जन युष्मान विनाश्य तुम समर्थन हो, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम लोगों को नाश करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। तस्मात् दिवसात् सर्वे चत्वारः पुत्रा, उस दिन से सभी चारों पुत्र स्व विचारान त्यक्त्वा परस्परम मिलित्वा गृह अवसन, उस दिन से चारों पुत्र अपने अपने विचारों का त्याग कर आपस में मिलकर घर में रहने लगे। पितरम च सेवया स्वस्थम अकुर्वन, और पिता की सेवा से स्वस्थ हो
गए। चलिए अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 121। आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे का शब्द अनुच्छेद, आवाहन करके के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया इस अनुच्छेद में कहता है उसको लिखने के लिए। पहला है आदिशत, दूसरा है आहुई, तीसरा है आज्ञापयत, चौथा है अधावत। दूसरा नंबर उत्तर होगा आहुई बुलाकर। 122। अधोलिखितेश पदेश तुमन प्रत्यायांत पदम चिन्हित, कहता है इसमें से तुमन प्रत्यय से युक्त शब्द को चुनिए। किसमें तुमन प्रत्यय है? पहला भुक्त्वा, दूसरा पित्त्वा, तीसरा भंगतुम और चौथा लिखित्वा। तो तीसरा उत्तर होगा भंगतुम, इसमें है तुमन प्रत्यय तोड़ने के लिए, भंगतुम होता है तोड़ने के लिए। 123। अधोलिखितेश पदेश अक्त्वा प्रत्यायांत पदम चिन्हित, इसमें से कहता है अक्त्वा प्रत्यय से युक्त कौन शब्द है उसको चुनने के लिए, लिखने के लिए। पहला आदाय, दूसरा दृष्टुम, तीसरा दत्त्वा, चौथा अनुशासनम। तीसरा है दत्त्वा, देकर दाजुरक्त्वा दत्त्वा। 124। पुत्रेभ्यः इति पदे अनुच्छेदानुसारेण का विभक्ति, पुत्र इस अनुच्छेद में पुत्रेभ्यः में कह रहा है कि कौन सी विभक्ति है। पहला प्रथमा, दूसरा द्वितीया, तीसरा तृतीया, चौथा चतुर्थी। यह चतुर्थी है उसमें, चौथा नंबर उत्तर होगा, ठीक है। 125। सुबद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकं दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्, बंधी हुई चारों लाठू को एक एक करके पिता ने चारों पुत्रों को दिया। तो पहला क्वेश्चन है निर्बंध, दूसरा है त्वग बार्ज, तीसरा है जलेन अभिसिंच और चौथा है निराजनम कृत्वा। तो ये होगा निर्बंध, ठीक है, बंधे हुए को अलग अलग करने के लिए ना, तोड़ने के लिए। 126। यूयम इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति, यूयम जो है से किस पुरुष में है? देखिए पहला है प्रथम पुरुष से, दूसरा है मध्यम पुरुष से, तीसरा है उत्तम पुरुष से, चौथा है वृद्ध पुरुष से। तो दूसरा होगा मध्यम पुरुष से। 127। गृहत्वा इति पदस विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदे अस्मिन प्रयुक्ता तत्चित्वा लिखत, कहते हैं गृहत्वा के लिए विलोम पद दिया गया है इसमें, इस अनुच्छेद में कहता है उसको चुनने के लिए, लिखने के लिए। पहला त्यक्त्वा, दूसरा दृष्ट्वा, तीसरा संहृज्य संहृत्य, चौथा है आदाय। तो पहला ही होगा त्यक्त्वा। और 128वां है कि स्वपुत्रान भूयो भूय कः प्रेरयति, अपने पुत्रों को बार बार कौन प्रेरित करता है? पहला माता, दूसरा वृद्धा पिता, तीसरा भ्राता, चौथा मित्रम। तो वृद्धा पिता होगा इसका उत्तर, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।